खाना खा ले। बंटी, बंटी कहाँ जा रहा है? रुक, बंटी मत भाग। जंगल खतरनाक है, आदमखोर भाग घूमे हैं। कौन हो तुम? पहले तो कभी नहीं देखा। काफी दूर से आया हूँ, महेश्वर से मिलना चाहता हूँ। ये बात है, तुम्हारे गांव में भी बाघ आ गया। आदमखोर, मेरा सब कुछ छिन गया, वो बाघ सब कुछ खा गया। अब महेश्वर ही कुछ कर सकता है। आजा, ये मेरी पोती है, पानी पिला बेटा। बेटी बबीता, अब यहाँ ज्यादा देर खड़ी ना रहे, चल जा अंदर। 2 साल पहले की बात है, इस बच्ची के माँ बाप को बाघ खा गया था, लेकिन सूरज उगने से पहले महेश्वर ने अपने भाड़े से उसे खत्म कर दिया। मैंने बहुत कुछ सुना है बाघ के निडर शिकारी महेश्वर के बारे में। आपकी बातों से इतना तो तय है कि महेश्वर ही कुछ करेगा। हाँ, आदमखोर बाघों का काल बन के आया है महेश्वर। कंस को मारा कृष्ण ने, रावण को मारा भगवान श्री राम ने, और इस युग में सारे आदमखोरों का सर्वनाश करने के लिए अवतार लिया है महेश्वर ने। मुश्किल से 9 साल का होगा जब उसने पहली बार बाघ का शिकार किया। महेश्वर, मामा मेरे पास तो ये है। महेश्वर का हथियार गुलेल नहीं, भाला है। ना देखो मामा ने क्या दिया, महेश्वर का भाला। अच्छा है, चल बैठ, फटाफट खाना खा ले, बाद में बापू के लिए भी ले जाना है। मेरा प्यारा बेटा। Thank you.
महेश समारी से। जंगल से लकड़ी चुरा रहे हो? ए! ए! रुक! चल भाग बेटा। रुको, भाग रहे। भाग जा, रुकना मत। रुक जा, रुक जाओ तो बस नहीं पाओगे। रुक जा, मैं कह रहा हूँ। वो वहां गया होगा, चलो। यस सर। महेश, चल कुछ खा ले बेटा। मार दूंगा बाघ को, मार दूंगा। योद्धा योद्धा ये है योद्धा, जाने धरती अंबर ये है योद्धा। इरादों पे रहे ये कटा, शक्ति भर पीछे हटे न योद्धा। कसकर बांध। ये हो रहा है, ये बच्चा क्या कर रहा है? इसके बाबू को बाघ ने मार डाला, अब इसे बदला लेना है, इसलिए जाल बिछाया है। जो बाघ आदमखोर हो जावे वैसे जाल में ना फंसे, उसे मारना है तो जा उसके इलाके से उसे यहाँ खदेड़ के ला। यही तो जंगल का नियम है बच्चे।
वो दिन है और आज का दिन, उसने एक भी आदमखोर बाघ को नहीं बख्शा। पर अब महेश्वर यहाँ नहीं रहता, पूरा गांव भी उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन आखिर वो गया कहाँ पर है? ये एक बहुत लंबी कहानी है। कुछ दिन पहले महेश्वर के छोटे भाई मणि के दोस्त गांव आए थे उनके मामा बलराम से मिलने। अभी और कितनी दूर जाना है हमें? यही कुछ 20-30 मील और। जंगली हाथी। क्या जंगली हाथी? हाँ, 7-8 मील तक इनका खतरा रहेगा, फिर इनका इलाका खत्म, हाथी नहीं आएंगे। उसके बाद बस बाघ ही बाघ होंगे, आदमखोर बाघ। पर अगर बाघ सामने आ जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि मरना तो पक्का है, फिर डरना कहेगा? अरे यार, तू चुपचाप गाड़ी चलाना, बहकी बहकी बातें करके डरा रहा है। आज ठंड कुछ ज्यादा ही है। ये जी है आपका कमरा। वैसे खाना वाना खा के आए हैं कि कुछ चाहिए आपको? क्या क्या मिलेगा खाने में? सूखी मछली की चटनी और चावल दे दें क्या? बाथरूम कहाँ है? वो है ना सामने, बड़े पकवान खिला। कमरे में बहुत धूल है, कोई आता नहीं है ना। और चद्दर जरा झाड़ के सोइएगा, अगर उसमें सांप बिच्छू होंगे तो निकल जाएंगे। यहाँ और क्या? ओए माँ, भूत आ गया, बचाओ! शिवा, क्या हुआ? अंदर भूत है, बाथरूम में भूत है। अरे क्या यार, अरे कहाँ जा रहा है? बड़ा खतरनाक भूत है, मैंने खुद देखा है। अरे वो तो ससी होगा, ससी। भूत के साथ शशि भी रहता है क्या? अरे भूत भूत कहाँ होते हैं, हमारे गांव का ससी है वो। लोगों के घरों में तांग झांक करने की आदत है उसे, डरने की कोई बात नहीं है। नो नॉनसेंस टॉकिंग। वैसे मुझे मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे साथ कोई लड़की वड़की नहीं आई है क्या? नहीं है। वेरी वेस्ट ऑफ टाइम। आइंदा ऐसी गलती मत करना। चलो इंट्रोडक्शन की पहचान कर लेते हैं। मैं हूँ शशि, शिकारी शशि। नाम तो नहीं सुना होगा, वैसे जंगल के सभी जानवर मुझे देख के छुप जाते हैं। आओ बैठ के टॉकिंग करते हैं। वैसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इंसानों का शिकार नहीं करता। वैसे कुछ छोटी मोटी चीज चाहिए तो बता देना। अरे नहीं, हम सब लाए हैं। वेरी गुड, तो चलो निकालो। वॉचमैन, 3 ग्लास और पानी लेके आना। देखा, गांव वाले मेरी इज्जत की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। ओ गॉड, माई खंभा। सबको फोकट की चाहिए। शशि भाई, आप यहाँ किसी बलराम को जानते हो? मतलब आप लोग सुअर को भगाने वाले पटाखे लेने आए हो? अपना ही आदमी है। बलराम का पटाखा मतलब एकदम असली पटाखा, 10 जलाओगे तो कम से कम एक तो फटेगा ही। तो क्या अभी उनसे मिल सकते हैं? अरे नहीं, अभी मिलकर क्या फायदा, वो तो एकदम टाइट होकर सो गया होगा। कल सुबह मीटिंग करते हैं ना।